सरकार ने 20 पन्नों में किसानों को एक प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों की बैठक हो रही है। जिन प्रावधानों पर आपत्ति है उस पर खुले मन से विचार होगा, ऐसा सरकार ने कहा है। तो एक जो कहा जा रहा था कि अमित शाह के साथ बैठक हुई है किसानों की बीती रात, हालांकि उसमें नतीजा बहुत कुछ नहीं निकला था, लेकिन कहा जा रहा था कि उसके बाद से सरकार जो है वो कुछ संशोधनों के लिए राजी हो गई है और सरकार किसानों के सामने एक प्रस्ताव रख रही है और इस प्रस्ताव में जो संशोधन है, जो किसानों के डर थे, शंकाएं थी, उनमें बदलाव और उन पर उन्हें पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसान मानेंगे, क्योंकि किसान लगातार अभी तक के प्रदर्शन में जो पिछले 14 दिन से जारी है एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानून वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। आंदोलनकारी किसानों को केंद्र का प्रस्ताव, कई मांगे मानने को तैयार है केंद्र सरकार। लेकिन कृषि कानून नहीं होंगे वापस। केंद्र और किसानों के बीच होने वाली छठी दौर की बातचीत से पहले कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर सरकार ने किसानों की मांग मानने के संकेत दिए और कैबिनेट मीटिंग के कुछ ही देर बाद किसानों को एक प्रस्ताव भेजकर गेंद उनके पाले में कर दी। इस प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार ने किसानों की कई मांगे मानने की बात कही, जबकि जिस कृषि कानून पर घमासान मचा है उसे वापस लेने से इनकार कर दिया। सरकार ने अपने प्रस्ताव में किसानों को MSP की गारंटी देने का वादा किया है, साथ ही ये भी कहा है कि APMC पहले की तरह ही काम करती रहेंगी। इसके अलावा केंद्र ने APMC को और मजबूत करने की बात कही है। प्रस्ताव में निजी मंडी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का वादा किया गया है, साथ ही किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार देने की बात भी कही गई है। तो वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम में बदलाव के लिए सरकार तैयार। देश के हित में नहीं है ऐसी बातें, पंजाब के हित में नहीं है, लेकिन अगर किसानों की बहुत ही मांगे पूरी हो जाती हैं तो इसको विड्रॉ करना चाहिए। और मेरा ख्याल पंजाब के लोग, बुद्धिजीवी लोग, पॉलिटिकल पार्टीज इसको विचार करेंगे, विचार करके कोई फैसला करेंगे और जो देश के हित में हो, पंजाब के हित में हो। वहीं किसानों ने केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सरकार से छठे दौर की बातचीत रद्द कर दी। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर बैठकर चर्चा की है, लेकिन मीटिंग से पहले ही कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने अपने इरादे साफ कर दिए। किसान वापसी नहीं जाएगा, किसान के मान सम्मान का सवाल है। अब मांग का सवाल कम रहेगा, किसान के मान सम्मान का सवाल है। सरकार बिल वापसी नहीं लेने की, मतलब तानाशाही होगी। अगर सरकार भी हट धर्मित है, भाई किसान की भी हटे, सरकार की भी, अब देखेंगे किसकी हार जीत जो कुछ होगा। वहीं एक बार फिर किसानों ने साफ कर दिया है कि कृषि कानून रद्द करने से कम पर आंदोलन खत्म नहीं होगा। बातचीत जो है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं हो रही है, पिछली 3 मीटिंगों से वहीं अटकी हुई है। अब समस्या ये है कि सरकार वहां से बात शुरू कर रही है जहां से आंदोलन के शुरू में बात शुरू होनी चाहिए थी। अब आंदोलन आखिरी पड़ाव में है, अब वो पहले पड़ाव की बातचीत शुरू कर रहे हैं और अगली मीटिंग में फिर वहीं आके अटक जाते हैं। तो अब तो पूरे तीनों कानून, ये वापस और MSP की गारंटी का कानून, जब तक ये नहीं बनता तब तक केंद्र कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं है, तो किसान इससे कम पर मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से सरकार के संकट मोचक गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल रखा है, उससे जल्द ही कोई ना कोई समाधान निकलने की उम्मीद जगी है। सिंघू बॉर्डर से मोहित बख्शी और रविकांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन। हमारे संवाददाता मोहित बख्शी इस वक्त हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। मोहित, सरकार ने अपनी तरफ से संशोधन का, क्लैरिटी का पूरा एक 20 पन्नों का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, चिंतन मंथन जारी है। क्या किसानों के रुख में भी नरमी आई है सरकार के इस प्रस्ताव के बाद? देखिए, किसानों के रुख में नरमी आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात थी 3 बिलों को रद्द करने की, उसे कहा गया कि खुले मन से विचार किया जाएगा, यानी संशोधन किया जाएगा। इसको लेकर भी तस्वीर साफ नहीं की गई है, क्या क्या संशोधन किया जाएगा ये भी साफ नहीं है। तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर किसान जो है आंदोलन पे बैठे हुए हैं, आंदोलन के लिए अड़े हुए हैं और काफी अच्छी संख्या में है। आप स्टेज पर भी देख सकते हैं, स्थिति जो है वो आपको नजर आ रही होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से 2
किलोमीटर की दूरी पर बैठक चल रही है किसानों की। तमाम किसान नेता भी वहां पर है। 5 बजे के करीब जो है वो प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। उस प्रेस ब्रीफिंग में बताया जाएगा कि किसान नेताओं का क्या रुख है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक सूत्रों के मुताबिक हमें खबर मिल रही है, उस 20 पन्नों में जिस तरीके से की भूमिका बनाई गई, उसके अलावा पृष्ठभूमि बताई गई, लेकिन जो मेन मकसद था प्रस्ताव के रूप में, वो जिस तरीके से आया है, जिस स्वरूप में आया है, उससे किसान नेता खुश नहीं है। जी तो किसान नेता खुश नहीं है, तो ऐसे में अब समाधान निकलेगा इसकी उम्मीद जो है वो कम ही है। लेकिन इस बीच मोहित खबरें ये भी आ रही थी कि किसानों के अंदर भी कहीं ना कहीं अंदर खेमे में भी गुटों की अलग अलग राय बनती नजर आ रही है, उनकी एकता में भी कुछ सेंधमारी हो रही है, उसको लेकर कोई अपडेट? क्या मीटिंग में आज सभी प्रतिनिधि शामिल हुए हैं? क्या कुछ वहां पे कुछ लोग छिटक रहे हैं, अलग ओपिनियन रख रहे हैं? देखिए, मीटिंग में जब मीटिंग के पंजाब जथेबंदियों की मीटिंग खत्म हुई तो फिर राजेंद्र सिंह दीपोवाल निकले और उन्होंने इसी बात पे स्पष्ट किया कि हमारी किसी भी तरीके की आपसी फूट नहीं है। ये बात उन्होंने फिर दोहराई और आज जिस तरीके से तमाम संगठन अंदर आए हैं, हालांकि विचार अलग अलग हो सकते हैं किसान संगठनों के, लेकिन जो संयुक्त रूप से बाहर निकल रहा है, जो एक बात आ रही है, एक स्वर में आ रही है कि अभी तक 3 कानूनों के को रद्द करने से कम लेकर कोई भी मानने को तैयार नहीं है। कल जो आपने देखा कि राकेश टिकैत का रुख कुछ नरम था, सकारात्मक बातचीत की बात कह रहे थे, लेकिन आज जो स्थिति है वो पिनाज आपने देखी, उन्होंने कहा कि हट धर्मिता है तो हट धर्मिता सही, पर किसान की मान की बात है मांग से ज्यादा। अभी की स्थिति है, तस्वीरें आप देख ही रही हैं कैसे आंदोलनकृत जो किसान हैं वो अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरा मंच लगा हुआ है और काफी अच्छी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो और किसानों की तैयारी भी पूरी है और हौसले भी बुलंद है और एकता को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये कहना है किसान नेताओं का, और वो डटे रहेंगे अपनी मांगों के साथ। कुछ नरमी फिलहाल तो आती नजर नहीं आ रही।